तो ये लोग आज चले हॉस्पिटल नॉर्मल चेकअप करवाने। वो अभी भी पैदल ही जा रही है क्योंकि गाड़ी में तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो पर वही बोलते हैं कि थोड़ी सी पैदल चल लूँ बेटर है। ये भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक नज़दीक वाले एक दूर वाले। दोनों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। सो इस वक्त मैं अकेली हूँ रूम पे, और जो मेरे या भैया भाभी है, वो भैया भाभी मम्मी मतलब कि सारे के सारे वो लोग गए हुए हॉस्पिटल। आज चेकअप के लिए भी जाना था, तो वो लोग सुबह निकल गए चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल। फिर उसके थोड़ी देर बाद अंकुश और सनीशा भाभी चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि भाभी को भी टीका करवाना था। जो लास्ट टाइम हम लोग गए थे उस टाइम पर्ची नहीं लेके गए थे ना, तो इस बारी भाभी पर्ची लेके गए, तो वो भाई के साथ चले गए। तो अभी मैं गई नहीं, आज गई नहीं। मैंने कहा क्या यार, मैंने नहीं जाना, शाम तक देखती हूँ। फिर शाम को ये लोग सारे वापस आ जाएंगे, और धूप भी मस्त वाली लगी हुई है, पूरा जिसको बोलते ना पहाड़ पूरा क्लियर है। तो बस अभी तक मैं बैठी हुई थी, अब धूप भी आ गई है, तो अब मैं अपनी असाइनमेंट बनाऊंगी और तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। फिर तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है, तो मैं अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करूंगी। सो अब है ब्रेकफास्ट की बारी हीटर के साथ। जब सबसे लास्ट में ब्रेकफास्ट या डिनर करो ना, तो ये हाल होते हैं सारे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि वो लोग चले गए थे ना, तो कुछ भी सफाई वगैरह नहीं हुई है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद सारा बर्तन सब धोऊँगी, फिर सफाई भी करूँगी, फिर धूप में भाग जाऊँगी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। तो लो जी, ब्रेकफास्ट भी हो गया, सफाई भी हो गई, बर्तन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आराम से जाके धूप में बैठेंगे। हाय, इतनी मस्त वाली धूप लगी हुई है। सीधी बेड पे चलो, अब थोड़ी देर धूप सेकते, थोड़ी देर गर्म होते हैं। तो भाभी पहुंच चुकी है हॉस्पिटल से वापस। नहीं हुआ काम? क्यों? अरे वो लेडी बिजी हो रही थी, वो पता नहीं वैक्सीन लगाने। अच्छा, मैं अभी बस अपना बिस्तरा बाहर धूप में डालने की कर रही थी। तो उस टाइम तो मैं किचन की सफाई करके बर्तन बर्तन धो के फ्री हुई थी ना, तो मैं तब बैठ गई थी धूप में, क्योंकि उस टाइम धूप थी, तो इस टाइम पर थोड़ी सी छुप जाती है। मैंने कहा पहले थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं। फिर उसके बाद भाभी भी आ गए थे, तब तक मैं लगी हुई थी अपना बिस्तरा झाड़ने और बाहर धूप में, क्योंकि नीचे बिछा हुआ था ना, तो मैंने कहा इतने दिनों से लेकर टाइम ही नहीं मिल रहा था कि बाहर डाल सकूं, क्योंकि बाहर कपड़े इतने सारे थे, बड़ी मुश्किल से कपड़े सुखा के लाए हुए। अभी भी है तारों पे कपड़े, बट इतना कि मेरा बिस्तरे आ गए बाहर। तो मैंने अभी सफाई करी, सारे कपड़े एडजस्ट करे, बेड झाड़ के, सब कुछ फाइनली हो गया। अभी भी थोड़ी सी धूप है, तभी मैं फिर से धूप में बैठूँगी। हाय, सोच रही हूँ ऑयलिंग करूँ, थोड़ी सी ऑयलिंग करते फिर सो जाऊँगी। असाइनमेंट बनाने का सोचा था बट बनाई नहीं। लो जी, ऑयलिंग हो गई। तो जैसे कि मैं तेल लगा रही थी उस टाइम, उसके बाद मैं ऐसी थी धूप में बैठी हुई, मतलब लेट गई थी थोड़ी देर, फिर फ़ोन यूज़ कर रही थी। फिर मेरे को एकदम से प्रीतिश की कॉल आई, बोलता कहाँ है? मैंने कहा यार मैं तो लेटी हुई बिस्तर में। बोलता मैं तेरे घर के पास आया हूँ, मैं और गरिमा। मैंने कहा अच्छा। बोलता आ जा मिलने। मैंने कहा ठीक है, आई। तो चलो ज़रा मिलते हैं उनसे। मैंने भी अभी सोना ही था और कुछ नहीं करना था, लेकिन कोई नहीं, चलो चलो, मुझे कॉल आ रही उसकी। बोल देगा कहाँ, तो घर से निकलने में भी इतना टाइम लगाती है। मुझे बोलता कहाँ रहेगी, मैंने कहा बस बस आ गई मैं, यही सामने। हाँ, गिफ्ट लाया हुआ चाहिए? नहीं।
नहीं मैं तैयार हो के नहीं आया, प्लीज आप प्रतिज्ञा कोई नहीं, एडिटिंग मेरे हाथ में, बिना मेरे हाथ में दिए ना इसको डालेगी, एडिट नहीं होना चाहिए, ये एडिट नहीं होना चाहिए भाई, अगर मैं ना पकड़ता ना तो पक्का मेरे हाथ में देती है उठाने के लो, मैंने ऐसा नहीं करना था, ठीक है ना, दीखे अपना करना अपनी जिम्मेदारी, टेंट था शायद, टेंट, अच्छा टेंट, अच्छा अच्छा ओके, हां चला कबूतर ने बिट बिट के इसके बुरे हाल कर दिए, और ऊपर से भी मंकी ने इतना टंडम मचाया हुआ था ना, टंडम कैसा बढ़िया, अरे अरे लड़ने वाले उठा ले सारे, आए एकदम से जितना का बाढ़ में जैसे गिरा लेते हो, चल 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 मैंने कहा कोई नहीं वेरी गुड क्या वेरी गुड वैसे कहाँ जा रहे हो, हम तो तुझसे मिलने आए थे, क्या हमारी प्यारी आंचल कहाँ रह गई, दो दिन हो गए, मैं तो लेटी हुई थी वही तो ये है टैंक्स, सोलन के टैंक्स, यहाँ पे चार लड़के नहा रहे थे एक बारी, उनमें से एक प्रीतिश था, नहीं नहीं वो डेंजरस तो गोल वाला, हाँ वो वाला है, वो तो काफी पहले से बंद है, ये अभी न्यूली न्यूली बंद हुआ है, एक साइड ये भी बंद होने वाला है, देखो इधर से वो लगे, इधर देखो वो ना जो बीड़ी पी रहे वो हमें ही देख रहे कि वीडियो बना रहे प्रीतिश को देख रहे हो, प्रीतिश को हमें देख रहे, चलो चले कहाँ जा रहे, ऊपर चलेंगे गलाना, ये तो दिमाग खराब है यार, गलाना बहुत दूर है, ये फॉरेस्ट रोड चलते, फॉरेस्ट रोड बस यहाँ से ऊपर, हाँ हाँ पैदल रास्ता है वो, चलो तो हम लोग फॉरेस्ट रोड से घूमते घूमते हुए आए, एट द एंड पहुँचे कहाँ, जहाँ से सीधे भी पहुँचने थे, नहीं बट वो जर्नी अच्छी जर्नी अच्छी थी आपके लिए, तो नया रूट हो गया, हाँ हम तो ऑलरेडी उधर से आते थे पहले, स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में यहीं पे साथ में मोमोज है, अब गरीबा का मोमोज खाने का दिल कर रहा, चलो मोमोज खाते अभी, तो ये हमारे मोमोज आ गए साथ में फ्रूटी, क्योंकि मोमोज तो ये जनाब खाते नहीं, इसलिए उसके लिए फ्रूटी, हमारे लिए मोमोज, ठीक है प्रीतिश यार वहाँ तक तो छोड़ोगे करके पीले वुड वाले तक, अच्छा पीले वुड वाले तक, दफा वाले इधर से, ओके थैंक्स चलो ठीक है, उठ तो जा ठीक है भाई जाइए, ओके बाय बाय प्रीतिश, तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे थोड़ी देर, गप्पे मारी, मोमोज खाया सब कुछ, और अब तो ऐसे था कि थोड़े मिल लेते हैं, बोलते दो तीन दिन से लेकर गायब भी है, मैंने कहा ठीक है मिलते हैं, तो अब चले वापस रूम की तरफ, निकलते हैं रूम को, ओह बच्चे आराम से, तो अब रूम पहुंच चुके हैं, भाभी भी उठ गए, भाभी सोए हुए थे जिस टाइम मैं गई थी, तो अब फटाफट से कपड़े बदलो, वापस से बिस्तरे में पड़ो, बढ़िया था कि आउटिंग होगी, चाहे आधे घंटे ही सही, आउटिंग अच्छी होती है, मैंने मैं पूरे दिन आज रूम पे उड़ी थी, नहीं थोड़ी देर घूम के आ गया है, धूप इतनी मस्त लग रही है आगे, खिड़की से सीधी फेस पे, आंखें भी नहीं खुलती है, चलो कपड़े बदलते हैं फटाफट से, अब सोलन का व्यू देखो मेरे रूम से, इतना सुंदर लग रहा है बाहर, वाह वाह, मुन्ना भैया वापस आ चुके हैं हॉस्पिटल से, डिनर टाइम, तो डिनर करके हो चुके हैं फ्री, और अब सबके सब अपने बिस्तर में घुस चुके हैं, मैं भी घुस चुकी हूँ, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।